हर साल 15 मार्च को डिपार्टमेंट ऑफ फ्लोरिकल्चर गार्डन एंड पार्क्स, डायरेक्टरेट ऑफ फ्लोरिकल्चर कश्मीर और इसके अलावा बाकी महकमे चिनार प्लांटेशन ड्राइव मुनाकद करते हैं। तो इसका मकसद सिर्फ यही है कि चिनार एक हेरिटेज ट्री है, एक रॉयल ट्री है, हमारी विरासत का हिस्सा है और कहीं ना कहीं उसकी तादाद जो है वो बरकरार रहे, वो डिप्लीट ना हो, इसलिए कोशिश है गवर्नमेंट की कि हर साल नए चिनार एडवोकेट नंबर में लगाए जाए। इस साल भी हम करीब 10,000 के चिनार सैपलिंग्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं जो मुख्तलिफ सरकारी महकमे हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं या लोकल लोग हैं, उनकी तरफ से उसकी डिमांड है और वो इनको लगा रहे हैं। और इस दिन हम थोड़ी अवेयरनेस भी करते हैं कि चूँकि ये हमारी एक विरासत का हिस्सा है, एक इम्पॉर्टेंट ट्री है, तो लोगों को भी अपील करते हैं कि चिनार कंजर्वेशन में वो अपना रोल अदा करें। सिर्फ निषाद गार्डन में ही हम, पहले मैं निषाद गार्डन के बारे में ये कहना चाहूँगा कि इस गार्डन का एक यूनिक फीचर ये है कि यहाँ पर एक चिनार एवेन्यू है जो बहुत पुराना है और उस चिनार एवेन्यू में कम से कम 200 के करीब बड़े ट्रीज हैं जो कि ऑटम में इस गार्डन की अट्रैक्शन रहती है। तो इस गार्डन में इस साल हम 60 और चिनार सैपलिंग्स लगा रहे हैं जो इस नंबर को और ऑगमेंट करें। देखिए, चिनार जहाँ काटने का मसला है, बेसिकली इसका एक परमिशन होता है जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट देते हैं और हमारा महकमा जो है सिर्फ एक टेक्निकल ओपिनियन देता है। तो किस सूरत में ये काटे जाते हैं, मोस्टली अगर कोई चिनार बड़ा पुराना हो जो खस्ता हो और बिल्कुल वो ड्राई हो रहा हो, तो उस सूरत में फिर वो उसका एक ख़तरा रहता है कि कहीं ना कहीं ये लाइफ एंड प्रॉपर्टी को डैमेज ना करें, तो फिर उसको एक प्रॉपर परमिशन दिया जाता है काटने के लिए। जैसे हर एक चीज़ की लाइफ होती है, चिनार की भी एक लाइफ होती है। नहीं, बेसिकली ये एक आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दे रहे थे कि देयर वाज अ टाइम जब श्रीनगर से चिनार शरीफ तक वो जो रोड था, इट यूज्ड टू हैव अ चिनार एवेन्यू और उस दौर में वहाँ पर ही नहीं, मुख्तलिफ जगहों पर, खासकर रास्तों पर ये चिनार लगाए जाते थे। लेकिन रास्तों पर एक चीज़ देखा गया है, क्योंकि अब जो मेटल रोड बनते हैं और चिनार के जो रूट्स हैं बिल्कुल ऊपर होते हैं, तो इनको सफोकेशन होती है, उन जगहों पर ये कामयाब नहीं होते। तो चिनार का जो दाई बाई का माहौल होना चाहिए, थोड़ा सा वो खुला होना चाहिए और उस पर वो सीमेंट, कंक्रीट या बाकी मैगडम वगैरह चीज़ें जो है वो नहीं मिलनी चाहिए। लास्ट में मैं यही मैसेज लोगों को कहूँगा कि ये हमारी विरासत का हिस्सा है, चिनार हमारी पहचान है, सारे लोग मिलकर इसकी हिफाजत करें ताकि ये विरासत हमारे अगले जनरेशन के लिए महफूज रहे। इस साल डिपार्टमेंट ने तकरीबन 10 इस तरह मजीद, मैं शायद कुछ साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर आए और मुख्तसर कुछ अल्फाज में कंट्रीब्यूशन और प्लांटेशन करें। तो महकमा फ्लोरिकल्चर जो उनके उनके जो नर्सरीज है वहाँ आप सबका इस्तकबाल करता हूँ और डायरेक्टर साहब का मैं काफ़ी मशकूर हूँ कि वो भी इसको एंजॉय कर सके। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आप सब